आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है फंजाई। फंजाई के बारे में कहा जाता है कि फंजाई जो हैं वो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर रिड्यूसर्स हैं। यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर रिड्यूसर्स, इसका मतलब ये है कि इनके जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल होगा, प्रोकैरियोटिक नहीं होगा। ठीक है, मल्टी सेलुलर का मतलब है कि इनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होगी। रॉबर्ट विटिकर ने जब क्लासिफिकेशन की थी तमाम ऑर्गेनिजम्स की, तो उन्होंने फंजाई को एक अलहदा किंगडम में रखा था। रॉबर्ट विटिकर के अगर हम क्लासिफिकेशन को याद कर लें तो कुछ इस किस्म का मॉडल था जिसके अंदर फाइव किंगडम्स थे हमारे पास, किंगडम मोनरा या किंगडम प्रोकैरियोट, उसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। और फंजाई को अलग किंगडम में क्यों रखा था? इसलिए रखा था बिकॉज ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स, और उन करेक्टरिस्टिक्स को आज हम देखेंगे। फंजाई एक डाइवर्स ग्रुप है और अभी तक इसकी नॉन स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो तकरीबन 100,000 स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी भी हैं जिनको हम नहीं जानते। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्सिटी की जहाँ हम बात करें, डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? डाइवर्सिटी का ये मतलब है कि फंजाई जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है। और फॉर्म्स क्या हो सकती हैं? फंजाई एज पैथोजन भी हो सकते हैं। पैथोजन हम कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कि कोई डिजीजेज कॉज करते हैं। और फंजाई किस तरह से डिजीजेज कॉज करते हैं? अगर हम प्लांट्स के अंदर देखें तो रस्ट्स हैं या स्मट्स ऑफ वीट और कॉर्न वगैरह के ऊपर स्मट जो लग जाती है, वीट एंड कॉर्न। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी फंजाई जो है वो पैथोजेनिक फंजाई। इसके अलावा हम मोल्ड्स को देखते हैं, ब्रेड मोल्ड होती है हमारे पास, जब ब्रेड के ऊपर काई वगैरह नहीं लग जाती उसको हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। तो ये पैथोजेनिक फंजाई है हमारे पास। इसके अलावा कुछ और फंजाई की टाइप्स हैं जैसे कि मैक्रो फंजाई जिनको हम बोलते हैं, जिनके बड़े साइज होते हैं, जैसे मशरूम है हमारे पास, मशरूम्स आ गए या ट्रफल्स हैं। कुछ फंजाई जो है वो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। जब हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं तो उनके अंदर फंजाई यूज़ होता है। और वो कौन से फंजाई हैं? जैसे पेंसिलियम है और यीस्ट है, यीस्ट प्रोडक्शन में फंजाई यूज़ होते हैं। इस तरह कुछ और फंजाई की टाइप्स हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के बनाने में हेल्पफुल होते हैं। और फंजाई की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जिसे हम जानते हैं कि फंजाई जो है वो डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स तो डीकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। इस तरह से हम देखते हैं कि फंजाई के अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी आती है। फंजाई हमारे लिए हेल्पफुल भी काफ़ी है और नुकसान भी बहुत पहुंचाते हैं। अच्छा, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करें, हमने यहाँ पे देखा कि फंजाई को हमने सेपरेट किंगडम में रखा था, तो फंजाई की कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बिना पे इसको सेपरेट एक अलग से किंगडम दिया गया। और वो क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं। एक करेक्टरिस्टिक फंजाई की ये है कि इनके अंदर सेल वॉल होती है, यानी कि इनके सेल के बाहर पे एक सेल वॉल होती है। इसके अलावा दे लैक सेंट्रियोल्स, यानी इनके सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, और दे आर नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं करते, नॉन मोटाइल। अच्छा, ये तीन करेक्टरिस्टिक्स इसकी मैंने लिखी, और ये तीन ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि रिजेंबल करती हैं एनिमल से, आप देखें कि सॉरी प्लांट से। प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि सेल वॉल होती है, प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, सेंट्रियोल्स जो है वो एनिमल सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, और प्लांट्स जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, इसका मतलब है कि प्लांट्स मूव नहीं करते। तो ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं? वो प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक हैं, प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसके अलावा फंजाई के कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफ है। हेटरोट्रॉफ का मतलब है कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी या एक और कैरेक्टरिस्टिक फंजाई की ये है कि दे लैक सेल्यूलोस, इन सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोस से नहीं मिलके बनी होती। ठीक है, अब ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये दोनों एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एनिमल लाइक किस तरह से हैं? हम जानते हैं कि एनिमल भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती। जब सेल वॉल ही नहीं होती ऑब्वियसली फिर सेलुलोज भी नहीं होते। तो ये हमने देख लिया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब टू किंगडम सिस्टम बनाया गया था या थ्री किंगडम सिस्टम बनाया गया था, तब फंजाई को प्लांट्स के अंदर रख दिया गया था। प्लांट्स का जो किंगडम है उसके अंदर रख दिया था। वो क्यों? बिकॉज हमने देखा कि फंजाई के अंदर सेल वॉल है और फंजाई नॉन मोटाइल है, तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए फंजाई को प्लांट्स के अंदर रखा गया। बट हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एनिमल लाइक हैं, कुछ हैं वो प्लांट लाइक हैं। तो इन दो चीज़ों को देखते हुए फंजाई को
एक सेपरेट किंगडम में रखती है। और सेपरेट किंगडम में रखने की एक और बड़ी वजह जो है वो इसका डीएनए स्ट्रक्चर भी है। डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो एनिमल और प्लांट से रिजेंबल नहीं करता, यही वजह है कि ये एक सेपरेट किंगडम में एक अलग से ग्रुप में है। अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें, एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ये पता चलता है कि या तो फंजाए और एनिमल्स के कोई कॉमन एंसेस्टर्स थे, या फिर फंजाए और रेड एलजी के कॉमन एंसेस्टर्स थे, बिकॉज रेड एलजी जो है ये वो ग्रुप है जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता, और फ्लैजिला का ना होना ये भी फंजाए की एक प्रॉपर्टी कह लें या एक करेक्टरिस्टिक है। फ्लैजिला हम जानते हैं ये वो स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मूव करते हैं। अब जब फंजाई के अंदर फ्लैजिला नहीं है तो फंजाई किस तरह से मूव करते हैं? अगर इसने कहीं जाना हो, कहीं मूव करना हो, तो ये उस साइड पे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म मूव करके उस साइड पे जाए, ये ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू हो जाता है उस डायरेक्शन में। एक और कैरेक्टरिस्टिक फंजाई के अंदर जो पाई जाती है वो ये है कि फंजाई के अंदर जो माइटोसिस है वो एक स्पेशल किस्म का माइटोसिस होता है, स्पेशल माइटोसिस। और स्पेशल माइटोसिस क्या है? बेसिकली ये न्यूक्लियर माइटोसिस होता है, और न्यूक्लियर माइटोसिस में न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो टूटता नहीं है, ठीक है? यानी कि जो भी सेल डिवीजन होती है, जो स्पिंडल्स बन रहे होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही बन रहे होते हैं। तो ये एक स्पेशल किस्म का, एक थोड़ा सा डिफरेंट है माइटोसिस। फंजाई का हैबिटेट अगर हम देखें कि फंजाई कहाँ पाई जाती है हैबिटेट, तो वो क्या होगा? कुछ तो आपको भी आइडिया होगा कि फंजाई मोस्टली जो है वो मॉइस्ट सरफेसेस पे, ऐसी जगह जो जहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो वहाँ पे पाई जाती है, मॉइस्ट सरफेस पे। इसके अलावा एक्वेटिक एनवायरनमेंट में फंजाई प्रेजेंट है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, या कुछ डैम प्लेसेस में फंजाई पाई जाती है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट पाई जाती है। पैरासाइट होगी तो कहाँ होगी? इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अगर हम एग्जांपल को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जिस ऑर्गेनिज्म की हम बात करें वो क्या है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये एक चीज़ का पीस नज़र आ रहा है, और इस चीज़ के ऊपर आप देख सकते हैं कि फंजाई ग्रो के हुए है। जब भी हम फूड को कहते हैं ना कि फूड गल सड़ गई है, उसके ऊपर जरासीम आ गए हैं, या अक्सर हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि उस पर काई लग गई है, तो वो बेसिकली क्या चीज़ है? वो फंजाई होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ये है चीज़, और ये आप देख सकते हैं ऑरेंज। ऑरेंज के ऊपर भी अक्सर अगर उसको किसी गीली जगह पे आप रख दें और यूज़ ना करें तो क्या होता है कि वो इस तरह से उस पर काई जम जाती है, या उस पर फंजाई आ जाती है, मोल्ड इसे हम बेसिकली बोलते हैं। अक्सर आपने ब्रेड के ऊपर मोल्ड देखी होगी। ब्रेड मोल्ड क्या होता है? ब्रेड या डबल रोटी के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा इसी तरह की ग्रीनिश और वाइटिश लेयर एक बन जाती है, और उसे हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। समटाइम्स वो ग्रीनिश और वाइटिश होती है, समटाइम्स वो ब्लैक कलर की होती है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डबल रोटी का एक टुकड़ा लें और उसको गीला करके थोड़े से मॉइस्चर में यानी कि रख दें, और कुछ दिन तक उसको वैसे ही पड़ा रहने दें, एटलीस्ट 1 वीक तक आप उसको ऐसे ही पड़ा रहने दें, और फिर आप देखेंगे कि उसके ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक सा स्ट्रक्चर आना शुरू हो जाएगा, बहुत ही पतला सा बारीक से आपको धागे नुमा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। शुरू शुरू में वैसा स्ट्रक्चर होगा, और उसके बाद वो पूरे के पूरे उस ब्रेड के पीस को कवर कर लेगा, तो वो क्या होगा? वो बेसिकली फंजाई होगी। फंजाई की जो स्टडी है उसके लिए एक खास टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ फंजाई। और अगर माइकोलॉजी पे आप गौर करें तो वो लोग जो कि माइकोलॉजी को स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं माइकोलॉजिस्ट्स। यानी कि माइकोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट हैं जो कि फंजाई को स्टडी करते हैं। तो ये आज के टॉपिक में हमने फंजाई को देख लिया, एक
ब्रीफ सा हमने इंट्रोडक्शन देखा है जिसके अंदर हमने देखा कि फंजाई की क्लासिफिकेशन यानी कि टेक्सोनॉमिकली फंजाई कहाँ लाई करता है। इसके अलावा फिर हमने फंजाई के कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स को देख लिया कि फंजाई के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैच कर रहे हैं प्लांट से, कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एनिमल से मैच कर रहे हैं, कुछ और जनरल करेक्टरिस्टिक्स को भी हमने देख लिया, फंजाई के हैबिटेट को डिस्कस किया और फिर हमने कुछ इमेजेस देख लिए जिससे हमें पता चल गया कि फंजाई क्या चीज़ है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम वन बाय वन फंजाई की डिटेल में देखेंगे, इसके बॉडी स्ट्रक्चर को, रिप्रोडक्शन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह को।